क्या होगा अगर एस्कार के गॉड ऑफ थंडर थॉर और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और वो गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार चुका है जिसमें थॉर भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्कार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉरी आर्म्स का प्रोटेक्टर है और उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं जो कि इमॉर्टल बीइंग्स तक को खेल कर सकती हैं। थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डेडपूल पर अटैक करेगा पर डेडपूल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जिसकी बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है और इवन पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी डेडपूल की बॉडी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ थॉर पावरफुल तो बहुत है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है पर उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में थॉर डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेडपूल कभी भी थॉर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर इन सब चीजों के बावजूद डेडपूल पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार चुका है जिसमें थॉर भी शामिल था। डेडपूल स्ट्रेंथ के मामले में उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता और इसी की वजह से वो बहुत से ऐसे कैरेक्टर से भी जीत चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उसका कोई भी ओपोनेंट कभी भी उसकी मूव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। थॉर डेडपूल पर अपना सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक करेगा पर डेडपूल इससे हुए किसी भी इंजरी को 2 ही सेकंड्स में हील कर सकते हैं और क्योंकि उसे किसी भी टाइप का कोई दर्द भी महसूस नहीं होता है इसलिए डेडपूल ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी कनेक्ट होता है तो डेडपूल के स्वॉर्ड का एक डायरेक्ट हिट तक थॉर की जान ले सकता है। जबकि दूसरी तरफ थॉर अगर अपनी गलती नहीं भी दोहराता और थानोस की तरह सीने की जगह डेडपूल के सर पर भी वार करता है फिर भी डेडपूल नहीं मरेगा बल्कि डेडपूल की बॉडी उसके सर को दोबारा से रीजनरेट कर लेगी। डेडपूल थॉर के किसी भी अटैक को चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी थॉर पर सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट तक थॉर की जान ले सकता है और इसी चीज की वजह से कॉमिक्स में जब भी डेडपूल और थॉर के बीच में फाइट हुई है डेडपूल हर बार जीता है। इन दी एंड थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डेडपूल कभी भी थॉर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता पर बात करें ओवरऑल रिजल्ट की तो इस फाइट के जीतने के चांस डेडपूल के ज्यादा है क्योंकि थॉर ना ही डेडपूल को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है जबकि डेडपूल थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा डेडपूल ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।